Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So yeah, I am ready. Yes, मैं बिल्कुल ready हूँ जाने के लिए, क्योंकि आज है मेरी third sitting. Yes, RCT की third sitting है. And yeah, आज literally मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं हूँ. Yes, क्योंकि ऑफकोर्स अब आदत हो गई है, अब इतनी बार जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आदत हो गई है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है. एंड यहाँ पे रख देती हूँ कैमरा. यस, एंड बताऊँगी कि आज होने वाला है मेरी थर्ड सिटिंग में. एंड क्या आप लोगों ने मेरे पुराने दो व्लॉग्स देखे? एंड इफ़ यू लाइक गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी इंटरेस्टिंग लग रहे हो या फिर अच्छे लग रहे हो. वैसे तो इंटरेस्टिंग कुछ था नहीं व्लॉग में, लेकिन स्टिल अगर आपको अच्छा लगा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ ना कि आप लोग अगर व्लॉग्स देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर व्लॉग्स लेके आया करूँगी अपनी डेली रूटीन के. सबसे पहले मैं आपको यही बोल देती हूँ, बाकी मैं आज बिल्कुल रेडी बैठी हूँ यस जाने के लिए अपनी थर्ड सिटिंग में. एंड 7:30 जैसे ही बजेंगे हम चलेंगे, क्योंकि 7:30 का टाइमिंग दिया रहता है उन्होंने. दो सिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई हैं एंड ऑलमोस्ट ओके अभी तक सब था. बस ये यहाँ पे मुझे ये छाला आ गया है, जो आई डोंट नो व्हाई ये छाला क्यों आया है. वैसे तो मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, गूगल भी किया था, तो मुझे उसका सॉल्यूशन यही मिला कि मतलब जब कुछ गड़बड़ हो जाती है एसिडिटी में तभी आता है छाला. एंड अभी तो डॉक्टर ने वैसे उसकी मेडिसिंस वगैरह भी दी हुई थी, मेरे पास सारा कुछ रखी हुई है. यस, रोज़ टैबलेट्स वगैरह मैं वैसे तो ले लेती हूँ, लेकिन शिट मैंने टैबलेट नहीं ली आज की, ले लेती हूँ वहाँ पर अगर पेन वगैरह हुआ तो. क्या गाइस, सुबह की टैबलेट अब ले रही हूँ मैं. ओह गॉड, क्या होगा मेरा मुझे खुद समझ नहीं आता. यस चलो, अच्छा हुआ दवाई खा ली मैंने टाइम से, थोड़ा पेन में रिलीफ रहेगा. अब पता नहीं आज वो क्या ट्रीटमेंट करने वाले, उन्होंने मुझे सबसे पहले तो यही बोला था, ये जो छाला है ना इसी की टैबलेट लिया वैसे तो अभी मैंने, जैसे पेन वगैरह ना हो ठीक हो जाए. ये जो छाला है बोलते हो अब तुम आओगी वेनसडे को, जब आज है वेनसडे. यस, आज डेट कितनी है, डेट याद नहीं रहती. डेट याद रहती थी भाई स्कूल टाइम पे, जब हमको कॉपीज में लिखना पड़ता था, नोट्स पे लिखना पड़ता था डेट और डे. आज है डे, आज डे है वेनसडे एंड एट सितंबर 8 तारीख है आज, सॉरी 8 तारीख है आज. एंड नाउ देखते हैं अब क्या होता है. एंड या लिटरली आई डोंट नो, आई एम सो एक्साइटेड. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा RCT कंप्लीट होने वाला है, मेरी थर्ड सिटिंग है, उसके बाद 2 सिटिंग और 4th एंड 5th. ठीक है, मैं 5 के व्लॉग बनाऊँगी. यस, 2 व्लॉग्स मैंने डाल चुके हैं, तीसरा वाला व्लॉग है ये, 4th और 5th के भी आई एम श्योर कि मैं डालूँगी. एंड लेट्स सी आज क्या होता है. ओके, A few moments later. So yeah guys, अब मैं चलती हूँ नीचे एंड फिर आपसे वहीं जाके मिलूँगी कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है. आई एम सो एक्साइटेड टुडे. यस, डर इसलिए नहीं है क्योंकि पेन नहीं है आज, मुझे थोड़ा बहुत कम पेन है एंड बाकी ट्रीटमेंट के बाद तो आई नो बहुत ज़्यादा होने वाला है. सो या लेट्स सी क्या होता है, आई ऑल्सो डोंट नो. चलो मिलते हैं वहीं जाके.
सो या गाइस, मैं जस्ट क्लिनिक पे गई थी एंड यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था. वो सारा कुछ अपना मेजरमेंट कर रहे थे एंड यस, एज यू कैन सी बेंच वगैरह नीचे हो रही है बिल्कुल प्रॉपरली पोजीशन में आ रही हूँ. एंड नाउ अब मेरा पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो वो मैं कहीं कहीं पे आगे वॉइस ओवर दूंगी जो मुझे ज़रूरी लगेगा, जो मुझे भी याद रहे, जो मैं बताना चाहती हूँ वो चीज़. एंड बाकी आप लोग कैसे देखना चाहें तो देख सकते हैं एंड इट्स टोटली अप टू यू. अगर स्किप करना चाहें तो भाई स्किप कर सकते हैं. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए मैंने व्लॉग शूट किए हैं, राइट. सो यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था. सो या अब यहाँ पे वो मेरे दांतों की ट्रिमिंग करना स्टार्ट कर रहे थे. यस, जो मेरा दर्द था जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था जिस वाले दांत में मेरे, उसकी ट्रिमिंग हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज उनको शेप लेना था क्राउन के लिए. क्राउन उसको बोलते हैं जैसे कि जो भी मेरा रूट कनाल हुआ है जिस वाले तेत में, उसके ऊपर कैप लगेगी, तो कैपिंग के लिए उसको क्राउन बोला जाता है, राइट. तो उसके लिए वो यहाँ पे शेप वगैरह दे रहे थे एंड लिटरली बहुत तकलीफ़ हो रही थी. मतलब ऐसा पेन नहीं हो रहा था, लेकिन यार बहुत इरिटेशन हो रही थी, सफोकेशन हो रही थी. जब अपने दांत था उसकी घिसाई हो रही थी. अब कैन यू इमेजिन कि अगर टिप है उसको कोई कट करेगा या फिर उसको कोई फ्रैक्चर करेगा, मतलब कुछ तो भी करेगा, तो जो फील होगा. और यहाँ पे उन्होंने जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए थे, सारा कुछ ट्रीटमेंट अभी फ्री है. अब आप देखते क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ यार, लेकिन डरी हुई बहुत ज़्यादा थी. जो भी फिलिंग की हुई थी परमानेंटली, अब आज उन्होंने की है. जो अभी तक सेकंड दो, फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में जो कुछ भी फिलिंग हो रही थी, वो दो सिटिंग की सिर्फ उन्होंने मतलब परमानेंट नहीं की थी, वो उन्होंने टेम्प्रेरी फिलिंग की हुई थी. यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है अब पूरा एक घंटा ट्रीटमेंट चलेगा, सो डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ. यहाँ पे वो ये बोल रहा था. एंड यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी मेरे दांत की, यहाँ पे वो शेप ले रहे हैं. जो अभी तक उन्होंने दो सिटिंग में किया था, वो क्या किया था उन्होंने कि परमानेंटली नहीं, सिर्फ अब मेरा जो बैक्टीरिया बिल्डअप हो गया था उन सारी चीज़ों को क्लीन करके उन्होंने टेम्प्रेरी फिलिंग की थी दो बार में, दो सिटिंग में. उसके बाद आज उन्होंने परमानेंटली फिलिंग जो भी था परमानेंटली फिलिंग की, दांतों को पूरा शेप दिया या ट्रिमिंग करी एंड क्राउन के लिए शेप ले लिया. और अब क्राउन बनने गया है मेरा. और ट्रीटमेंट आज का थोड़ा ज़्यादा था, सेकंड सिटिंग बहुत कम, आधे घंटे की थी मुश्किल से. फर्स्ट सिटिंग भी डेढ़ दो घंटे, एक डेढ़ घंटे की थी, और ये सेकंड सिटिंग भी, थर्ड सिटिंग भी डेढ़ घंटे की थी ऑलमोस्ट. तू हिलाना मत, मेरा शेप गड़बड़ हो जाएगा. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तुझे हाथ ऊपर करना है. अरे यार हाथ, क्या बोल रही थी, हाथ ऊपर यू करे पहले बताओ. पानी भर रहा है क्या इसलिए? तो क्या ये चुभ रहा है, ये चुभ रहा है, ये वो हवा पड़ रहा है ना, एयर प्रेशर के कारण. बोस्ट 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 बोलो.
चिन ऊपर करना है, चिन ऊपर काम और अब ऊपर नाप लेना है मुझे, फ्लश कर दें एक बार में पूरा। अब देखो अब मैं यहाँ रखा हूँ, उल्टी कमान तो नहीं कर रहा, उल्टी कमान तो नहीं कर रहा, पक्का नाक से सांस लेने की कोशिश करो, कर रहा है। अभी नीचे का है जी, ऊपर पड़ी अब आप खोलो, इसमें कुछ लगता नहीं है ना, उल्टी कमान करता ना कुछ लगता है, आप खोल के रखो इसमें उल्टी।
A few moments later. So yeah guys, finally I am back. Yes, आज तो मैं बात करने लायक हूँ, just because of ये दिख रहा है, आज पूरा एक घंटे ट्रीटमेंट चला, आज भी एक डेढ़ घंटे चला, पूरा कटिंग वगैरह की उन्होंने मेरे दांत के, और आपने तो पूरा व्लॉग में देखा ही होगा, बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो लिटरली आप लोग मुझे, सॉरी यार मैं ऐसी दिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे पता ही था लेटी वगैरह थी ऐसे उनके चेयर वगैरह पे, तो अगर आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन अगर सेकंड है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस एज में, 19 में ही, एंड अभी मेरा ये थर्ड सिटिंग थी, एंड आज मेरे कैपिंग का साइज मतलब नाप वगैरह उन्होंने भी सब कुछ ले लिया, टीथ को कट वगैरह किया, परमानेंट फिलिंग करी, जो टेम्परेरी थी उनको निकाल के परमानेंट फिलिंग हुई आज मेरे टीथ में। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कटिंग वगैरह की, एक्चुअली में मुझे नहीं पता क्योंकि उस टाइम मेरा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, सिर इतना ज़्यादा दुख रहा था कि फिर मुँह ओपन करे रहने में हालत ख़राब थी। अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, देखती हूँ क्या खा सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे पूरे दांत में दर्द है, हो सकता हो मेरा मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर इस वजह से, या फिर जो भी वजह हो, आई लिटरली डोंट नो, बट या फाइनली डन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो फोर्थ सिटिंग है, उन्होंने अभी बोला है मुझे, अब जो फोर्थ सिटिंग होगी वो कॉल करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे, अभी तो उन्होंने पर्टिकुलर कोई डेट या डे नहीं बताया फोर्थ सिटिंग के लिए, जैसे ही वो बन के आ जाएगा मेरा कैप, तो फिर अब वो कैप प्लेसमेंट होगा। आई एम सो स्ट्रेस्ड। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, अगर आप लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग देखा हो तो थैंक यू दिल से, एंड या कुछ नहीं है बोलने को मुझे, बाय।